जोधपुर से हमारे संवाददाता कैलाश चौहान की खास रिपोर्ट। एक दिवसीय जोधपुर प्रवास पर पहुंचे राजस्थान सरकार के खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री के विश्नोई ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उनके साथ जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, शहर विधायक अतुल भंसाली, देहात दक्षिण जिलाध्यक्ष जगराम विश्नोई, संभाग मीडिया संयोजक जगदीश धांडिया, जिला महामंत्री मनीष पुरोहित, जिला उपाध्यक्ष संजय चंदीरमानी, संभाग मीडिया प्रभारी अचल सिंह मिर्तिया साथ में मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री के विश्नोई ने वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कुल 111,000 से अधिक सरकारी नियुक्तियों के लिए जारी की गई विज्ञप्ति के बारे में जानकारी दी। राज्य मंत्री विश्नोई ने वार्ता के दौरान कहा कि राजस्थान की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने शिक्षित अशिक्षित नौजवान युवाओं को काम देने के लिए एक अभियान छेड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में युवाओं के सपनों को साकार करने का काम राजस्थान की भजनलाल सरकार कर रही है। राज्य मंत्री के विश्नोई ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया और हर परीक्षा में पेपर लीक किए गए, हजारों युवाओं के करियर बर्बाद किए। हमारी सरकार ने पहला सबसे बड़ा काम ये किया कि पेपर लीक पर रोक लगा दी गई और पिछली सरकार में फर्जीवाड़े से नौकरी करने वालों को चुन चुन कर पकड़ा। राज्य मंत्री के विश्नोई ने कहा कि हर दिन ऐसे फर्जी लोगों को एसओजी पकड़ रही है, छोटी मछलियां भी पकड़ी जा रही है और बड़े मगरमच्छ भी गिरफ्त में आ रहे हैं। राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार में 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, जिनमें से 8 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। उनमें से 50,000 से अधिक पदों की भर्तियों को गहलोत सरकार ने रद्द किया था। मजबूत कानून व्यवस्था का पहली बार राजस्थान प्रदेश में अच्छा उदाहरण भी पेश किया है। लगातार जो युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाले गिरोह थे, गैंग थे, उनके खिलाफ कठोर कदम भी उठाए गए हैं और भविष्य में ऐसा ना हो। जो पुलिस के अंदर अपन सदैव थानों के अंदर देखते हैं कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, नजर आता है आपको रास्ता। अभी भर्तियों से रिलेटेड आपने सवाल किया और आप पिछले 10-11 महीने से सर भर्तियों से संबंधित सवाल है मेरा। जयपुर के कन्हैया थाना पुलिस ने कार्रवाई कर फर्जी डिग्री गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसमें 6 आरोपी बनाए गए थे जिनके खिलाफ 4 पेश हुए, लेकिन कम से कम 5,000 फर्जी डिग्रियां मिली थी, जिसमें से कम 1,000 लोग फर्जी डिग्री पे काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, उसमें कोई कदम नहीं उठाया। आरपीएससी और सेंटर संचालक ज्यादातर पेपर आउट करवाने के जिम्मेदार पकड़े गए, जो एसओजी ने पकड़े सब वही है, ठीक है, उनके खिलाफ अब जो सेंटर दिए जाएंगे आरपीएससी किस तरह की कार्य प्रणाली आगे यूज करेंगे? देखिए, जैसा कि आप लोग पिछले 10-11 महीने में देख रहे हैं कि जो सीधा सीधा इन गिरोह से संबंधित रखने वाले व्यक्तियों से लेकर के फर्जी अभ्यर्थियों से लेकर के छोटी मछलियों से लेकर के बड़े मगरमच्छ तक धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं या रडार के अंदर, तो जो भी आप चाहे ये कर्णिविहार थाने की चर्चा कर रहे हैं, चाहे भारतीय की कर रहे हैं, ऐसा कोई भी विषय शेष नहीं रहना है जो कि कोई भी गलत तरीके से काम करके, गलत तरीके से कोई भी तरीका अपना करके यदि कहीं पर बैठा है तो खुद को सुरक्षित ना माने। सर, मेरा सवाल ये था, एक्चुअली मतलब इसमें बात होती तो इसमें कट हो गया था। मैं कह रहा हूँ 5,000 फर्जी डिग्री जो है वहाँ पे मिली है और 1,000 से 1,000 लोग सरकारी नौकरियाँ कर रहे हैं, ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जो नौकरी कर रहे हैं? उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है जो फर्जी दस्तावेज लेके सरकारी नौकरी में आवेदन कर रहे हैं? देखिए, एक दिन का ये काम नहीं है। जो भी विषय एसओजी के संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में, पुलिस के संज्ञान में कहीं पर भी आएगा, हर चीज़ के लिए एक समय लगता है। आपने जैसा बताया है तो उस विषय पर भी एक एसओजी को जांच करनी चाहिए या पुलिस थाना ही जांच करेगी? नहीं, पुलिस भी अपना काम जिम्मेदारी से कर रही है, लेकिन क्योंकि ये भर्ती का प्रकरण हमने संकल्प पत्र के अंदर भी इसको एसआईटी का सरकार मंत्री जो गठन किया एसओजी को जांच सौंपी गई, इसलिए ये नहीं सौंपी गई सर, थाना प्रभारी करना है। नहीं, इसकी थाना प्रभारी करना तो पुलिस भी जिम्मेदार है, एसओजी पुलिस एक ही तंत्र है, अपने अलग अलग नाम दे रखे हैं क्योंकि वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, काम तो पुलिस का ही है। सर, संज्ञान में तो आया ही होगा क्योंकि आपने प्रेस वार्ता एक शुरू में कहा पिछले पूर्ववर्ती सरकार में 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हो गए, लेकिन कहीं कहीं जांच जो है ऐसा ही कोई घूमती फिरती नजर आ रही है, कोई और पेपर की कोई जांच या कोई आरोपी है कोई पकड़ा नहीं गया, कहीं आगे गया नहीं है, सिर्फ ऐसा ही उनको ही पकड़ रहे हैं, उन्हीं को डाले जा रहे हैं हेड कांस्टेबल
उसमें अच्छा कार्य कर रही है आपकी सरकार और आपकी भर्ती आपकी चाहिए सर, उसमें क्या कार्रवाई होगी? आपको जैसे जैसे समय निकलेगा हम आपको खूब सारे नई नई सूचने हालांकि पूर्ववर्ती सरकार पे फिर बात आ जाएगी, उन्होंने जिले दो कर दिए बालोतरा और बाड़चोर है ना और साचोर कुछ, लेकिन इसी इलाके में क्योंकि जो ज्यादातर मामले आए सामने वो इसी बेल्ट से आए, अब आपका भी वही क्षेत्र है, उसको लेकर के क्या कुछ कार्य योजना है कि वहाँ कम हो इस तरह के घटनाक्रम या नहीं हो, या आगे किस तरीके से सरकार उसको लेकर के उस क्षेत्र विशेष को लेकर के क्या कुछ योजना है? देखिए इसमें एक क्षेत्र विशेष की अपन चर्चा ना करें क्योंकि पूरे राजस्थान प्रदेश से अलग अलग जगह से अभी तक 150 के आसपास जो गिरफ्तारियां हुई है पूरे राजस्थान भर से हुई है और इसमें कोई क्षेत्र या जाति उसका विषय नहीं है, अपराधी जिसने भी अपराध किया उसके लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, पीछे भी उठाए गए और आगे भी अपराधियों को अपराध करने से पहले सोचना। वो तो क्वांटिटी के हिसाब से पूछा सर, ज्यादा आ रहे थे, हमने वैसे संख्या नहीं गिनी है लेकिन जो भी कहीं पर भी बैठा है अभी तक जांच प्रक्रिया अधीन है, अभी तक इसमें पूर्ण विराम नहीं लगा। सरकार के जांच का विषय ये अभी आज बताना काफी जल्दी। खेलो राजस्थान कब शुरू करवाएगा सर? खेलो इंडिया के चलते चलते खेलो राजस्थान का भी काम जल्दी चालू करवाएंगे। सितंबर अक्टूबर नवंबर आएगा। वैसे अलग अलग खेल के अंदर युवा लगे हुए हैं, खूब सारे खेल के अंदर युवा अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान को लेकर उसको लेकर रिसर्च एंड राजस्थान, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, वैसे ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भदेल लाल जी ने विकसित राजस्थान का संकल्प लेते हुए सरकार बनते ही ये एक पहली बार ऐतिहासिक 4,90,000 करोड़ का बजट भी उन्होंने पेश किया। पहले ही वर्ष में सरकार बनते ही राइजिंग राजस्थान की दिशा में उन्होंने कदम उठाए, अलग अलग जिलों से नहीं प्रदेश से नहीं देश से नहीं और विदेश तक एक संयुक्त प्रयास करके पहली बार कुछ नवाचार भी किए हैं। उद्योग महकमे में 10 IAS अधिकारी को लगाया गया है, अलग अलग वरिष्ठ 18 IAS अधिकारियों को अलग अलग देश के साथ में उनका एक प्रभार उनको दिया गया है ताकि उन देश से जो भी निवेश आएगा तो उन अधिकारियों के चाहे वो कोई डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग हो लेकिन वहाँ से निवेश आने पर वो जिम्मेदारी पूर्वक एक सिंगल विंडो की तरह उन निवेशकों का साथ देकर के जमीन पर कैसे उद्योग को उतारे थे उस दिशा में काम किया जा रहा है और अब तक लगभग 12,00,000+ करोड़ के कुछ MOU साइन हो चुके हैं। और चर्चा करना चाहूँगा तो पचपदरा की धरती से, क्योंकि भारतमाला जो जामनगर से अमृतसर तक पचपदरा रिफाइनरी को होते हुए एक लंबा हाईवे मोदी जी की लंबे विजन के साथ में राजस्थान प्रदेश को मिला और दूसरा दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर में भी अपने को दो जो हाईवे मिले हैं इनके बीच में और इनके आसपास खूब सारे नए नए उद्योग, जैसे इधर रिफाइनरी का काम भी 25 मार्च तक लगभग संपूर्ण होने का है, उससे जुड़े हुए सब्सिडरी खूब सारे व्यवसाय यहाँ पर आने का है, तो यहाँ पर पेट्रोलियम हब, बीकानेर में सेरामिक हब, इधर जोधपुर पाली मारवाड़ जंक्शन, इसके बीच में अभी केंद्र की तरफ से मोदी जी ने इस पूरे बेल्ट को इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित करने के लिए लगभग 2,500 करोड़ का प्रावधान रखा और आने वाले समय में यहाँ पर सोलर से जुड़े हुए चाहे सोलर मॉड्यूल से जुड़ी हुई फैक्ट्रियाँ हों चाहे अभी तक लिथियम बैटरी का कंटेनर साइज की बैटरी उनसे जुड़े हुए उद्योग हैं। और जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश मिनरल रिच धरती धन जो मिनरल स्टोन इन सब से जुड़े हुए व्यवसायों के लिए आज राजस्थान अग्रणी जिलों में से अग्रणी स्टेट में से है और आने वाले समय में जैसे जैसे समय निकल रहा है चित्तौड़गढ़ के अंदर एक ग्लास फैक्ट्री को अपन ने
इलेक्ट्रिसिटी गैस इलेक्ट्रिक वहाँ पर देने का काम चालू किया है। जैसे ही वो थोड़ा सस्ता बिजली का जब इंडस्ट्रीज के लिए मदद मिलेगी तो खूब सारे नए उद्योग भी यहाँ पर, चाहे टाइल से जुड़े हुए उद्योग हैं उनका आने का होगा। आईटी सेक्टर में अजमेर है, हाईटेक सिटी जयपुर, और कुछ फर्टिलाइजर से जुड़े हुए भी एथेनॉल बेस्ड जो बायोफ्यूल के, चाहे वो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सब जगह पर अलग अलग दिशा में इन दोनों हाईवे को साथ जोड़ते हुए बाकी सभी जिलों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी दिमाग में रखते हुए सरकार बहुत अच्छे तरीके से युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा काम करने का प्रयास भी कर रही है।